गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हीना शेख आपका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कर रहे थे अध्याय एक जिसका नाम है संख्याएं। संख्याओं में हमने किया कि किस प्रकार से हम 5 अंकों तक की संख्याओं को लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम संख्याओं का विस्तारित रूप यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, बिना पुनरावृत्ति किए दिए गए 5 अंकों से संख्याओं को बनाना। आज हम करेंगे कि किस प्रकार से संख्याओं को शब्दों में लिखा जाता है। ये आपके अध्याय 1 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस प्रकार से संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। ये करने के बाद आप 5 अंकों तक की संख्याओं को शब्दों में लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा और इसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। संख्याओं को शब्दों में लिखना, ठीक है बच्चों। यहाँ हमें दो तरह की फैमिली दे रखी है, इकाई फैमिली और हज़ार वाली फैमिली, जिसको एक लाइन से सेपरेट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मुझे 5 अंकों की एक संख्या दी हुई है। अब मैं क्या करूँगी कि दाईं ओर से शुरू करते हैं, तो दाईं ओर से हम हर एक अंक को उनके मान या उनके घर पर बिठाना शुरू करते हैं। सबसे दाईं ओर है 0, तो मैंने इकाई के जगह पर बिठा दिया 0। दहाई पर अंक है 4, सैकड़ा पर है 2। ये तो बच्चे हो गए इकाई फैमिली। देखते हैं हज़ार फैमिली में कौन कौन से अंक आते हैं। ये है 5, यहाँ पे है 8। अब बच्चों, ये कॉलम जो दे रखा है इसमें इन दोनों संख्याओं को मिला के लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या रहा, 85, तो मैंने यहाँ लिख दिया 85। और फैमिली कौन सी, हज़ार, तो ये आ गया 1000। तो हमारे पास आ गया 85000। यहाँ क्या है बच्चों, 240। मैं फिर इन दोनों को मिला के यहाँ लिख देती हूँ 85000 240। ठीक है ना बच्चों, है ना इजी। अब मैंने क्या किया कि ये दोनों को मिला के यहाँ कैसे शब्दों में लिखा जाता है वो मैंने यहाँ लिख दिया। लेते हैं अगला सवाल। ये है अगली संख्या 1 2 3 4 5, 5 अंकों तक की संख्या। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5। दहाई पे 0, सैकड़ा पे 4, हज़ार पे बच्चों 2 और 10000 पे 8। अब इन दोनों को मिला के क्या पढ़ेंगे बच्चों, इन दोनों को 8 और 2 82, तो ये आ गया 82000। 82000 ये आया 405। अब इन दोनों को मिलाकर यहाँ शब्दों में लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया दोनों को मिला के, 82000 405। ठीक है बच्चों, लेते हैं अगली संख्या। यहाँ पे इकाई के अंक पे 0, दहाई पे 4, सैकड़ा पे 2, हज़ार पे बच्चों 8 और 10000 पे 5। अब बच्चों क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों अंकों को मिला के पढ़ना। इन दोनों अंकों से जो संख्या बनी है वो क्या बनी है, 58। अब मैं यहाँ लिखूंगी 58000। ठीक है बच्चों, 58000। यहाँ मैंने लिखा 240। इन दोनों को मिला के अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या मिला था बच्चों, 58000 240।
40। लेते हैं बच्चों अगली संख्या 4 0 8, 2 5। इन दोनों अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है वो क्या बनी है? 52। और नीचे क्या लिख दूंगी? 1000। 52000। यहां पे बच्चों क्या है? 8 100 4। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के यहां लिख देते हैं 52000 8 100 4। ये तो था बच्चों कि किस प्रकार से हम संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों आप भी अपनी कॉपी के अंदर इस तालिका को बनाकर और अनगिनत 5 अंकों तक की संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं और जितना आप अभ्यास करेंगे आपको उतना अच्छे से ही आएगा। देखते हैं कि किस प्रकार से संख्याओं को विस्तारित रूप और शब्दों में दोनों में लिखा जाता है। संख्याओं को विस्तारित रूप व शब्दों में लिखना। विस्तारित रूप बच्चों हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, शब्दों में हमने जस्ट अभी किया। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम संख्याओं को विस्तारित रूप व शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे बच्चों ये अंक है 8, 8 अंक के पीछे कितने अंक दे रखे हैं? 4। तो मैंने यहाँ क्या कर दिए? 4 0 लगा दिए। 5 5 के पीछे 3 अंक है तो 3 0। 2 2 के पीछे 2 अंक है तो 2 0। 4 4 के पीछे 1 अंक है तो 1 0। और यहाँ पर 0। ठीक है बच्चों, ये बना 85। हजार, 2 100 40। 85,240। लेते हैं अगली संख्या 8। 8 के पीछे 4 0 लगा दिए, उसके बाद 2 2 के पीछे 3 0, फिर हमने लिए 4 4 के पीछे 2 अंक तो 2 0। 0 अकेला बच्चों और यहाँ पर 5। ये आ गया बच्चों 82,400 5। ठीक है बच्चों, अगली संख्या 5। 5 के पीछे कितने अंक है? 4 4 0। 8 8 के पीछे 3 0। बच्चों आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं 2 के पीछे 2 0, 4 के पीछे 1 0 और 0 0। ये हो गए बच्चों 58,240। 58,240। लेते हैं अगली संख्या 5। उसके पीछे 4 0, 2 उसके पीछे 3 0, 8 उसके पीछे 2 0, 0 0 और 4। तो ये हो गई बच्चों 52,804। 52,804। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से हम संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं और एक बार हमने विस्तारित रूप और शब्दों दोनों का रिवीजन भी एक तालिका के माध्यम से कर लिया। मिलते हैं अगली कक्षा में जिसमें हम लेंगे कि किस प्रकार से हम संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।